तो वीडियो का थंबनेल देख के आप सब लोगों को एक बात तो समझ में आ ही गई होगी कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पर आपको एक रील का प्रीव्यू शो हो रहा होगा। तो ये जो ट्रेंड है, इसके ऊपर आपको भी अगर इस इफेक्ट के साथ एक परफेक्ट रील बनाना होगा तो उसे आप कैसे बना सकते हो, इसका ट्यूटोरियल मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और ऐसे ही नए नए कॉन्टेंट के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो ये जो ट्रेंड का वीडियो है, ये जो ट्रेंड का रील है, इसे अगर आपको बनाना होगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका खुद की मिनिमम 2 सेकंड की एक वीडियो रेडी करके रखनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अभी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, तो जिस तरीके से आपको एक मिरर सेल्फी वाली वीडियो रहेगी तो वो भी चल जाएगी। ऐसे आपको 2 सेकंड की मिनिमम एक आपकी खुद की वीडियो रेडी करके रख देनी है। और उसके बाद यहाँ पर आपको 9 फोटो सिलेक्ट करने हैं, 9 फोटोज़ रेडी करने हैं। तो ये 9 फोटो किस बारे में रहेंगे, पॉइजन मतलब यहाँ पर आपको इसका मीनिंग ऐसे लेना है कि ऐसी कोई चीज़ है जिसके बिना आप रह नहीं सकते हो, जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हो। फॉर एग्जांपल मुझे पपीज़ अच्छे लगते हैं, तो पपीज़ के मैं 9 फोटोज़ यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। तो इस तरीके से एक वीडियो और 9 फोटो आपको सिलेक्ट करके रेडी करके रख देने हैं। इसके बाद आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद वहाँ पर जाके आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। तो स्क्रीन के ऊपर जो एप्लीकेशन मैं अभी मूव कर रहा हूँ, ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। इसका नाम है VN एप्लीकेशन। ये प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको आपके मोबाइल पर आ सकता है। यहाँ पर कुछ एड्स आ सकते हैं, उनको आपको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे ऊपर आपको एक सेटिंग का आइकॉन दिखेगा। तो इस सेटिंग के आइकॉन के ऊपर चले जाना है। यहाँ पर आपको एक प्रेफरेंस है, इसका ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर अभी आपको डिफ़ॉल्ट फोटो ड्यूरेशन ट्रांजिशन का एक ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर अभी आप देख सकते एक बार आपको यहाँ पर दिख रहा है, जहाँ पर आपको अभी आप देख सकते हो 2.93 सेकंड जैसे टाइम आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पर आपको 0.37 इसको कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर 0.37 यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं एक बार सिलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने यहाँ पर 0.37 सेकंड सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको बैकवर्ड एरो दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करते जाना है जब तक ये स्क्रीन ना आ जाए। इसके बाद आपको स्क्रीन के नीचे आपको एक प्लस का आइकॉन दिखेगा, तो इस प्लस के आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी सबसे पहले यहाँ पर आपको वीडियो सिलेक्ट करना है। वीडियो सिलेक्ट करने के लिए स्क्रीन के ऊपर आपको वीडियो का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर आपको एक ऑल का ऑप्शन दिखेगा। ऑल के ऑप्शन के आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल पर जितने भी फोल्डर है वो फोल्डर यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो इसमें से जिस भी फोल्डर में आपने वीडियो रखा होगा उस फोल्डर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ओपन कर लेना है। और यहाँ पर सबसे पहले वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर एक वीडियो यहाँ पर इस तरीके से मैं सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद आपको फ़ोटोज़ के ऑप्शन पे चले जाना है और ऊपर फिर से जिस भी फोल्डर में आपने फ़ोटोज़ रखे होंगे उस फोल्डर को यहाँ पर ओपन कर लेना है। और यहाँ पर अभी आपको टोटल 9 फोटो सिलेक्ट करनी है। तो कुछ इस तरीके से आपको फ़ोटोज़ यहाँ पर सिलेक्ट करते जानी है। तो अभी आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर आपको 10 नंबर शो हो रहे हैं। तो 10 नंबर इसलिए शो हो रहे हैं कि 9 फोटोज़ और एक वीडियो जो आपने सिलेक्ट किया है, टोटल 10 आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे नीचे आपको एक ब्लू कलर का फॉरवर्ड एरो दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आपको एक ओरिजिनल का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 9:16 का एक फ्रेम रेशो दिखेगा, इसे सिलेक्ट करना है। ऊपर जो 9:16 लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इस वीडियो में इस तरीके से आगे आगे चलते जाना है और हर एक फ़ोटो को मैन्युअली चेक करना है कि कोई फ़ोटो आपका जो आपने फ्रेम सिलेक्ट किया उसके अंदर या बाहर तो नहीं चला गया। जैसे अभी आपको एक दिखा देता हूँ, ये वाला फ़ोटो आप देख सकते हो। आपको थोड़ा सा इसे जूम करना पड़ेगा। तो जूम करने के लिए फ़ोटो का बार नीचे दिख रहा है, उस बार से फ़ोटो को सिलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद ऊपर आपको जो फ़ोटो दिख रहा है इसे इस तरीके से 2 उंगलियों की मदद से जूम कर लेना है। इसके बाद आपको सारे फ़ोटोज़ को ऐसे चेक करना है। सारे फ़ोटोज़ को उस पॉइंट पे आपने सेट करने के बाद एकदम लास्ट में आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक ब्लैक कलर का स्क्रीन दिखेगा। तो इसे यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको वीडियो के एकदम स्टार्टिंग पे चले जाना है। यहाँ पर स्टार्टिंग में आपने जो एक वीडियो ऐड किया है इसके बार को इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है। बार को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको एक वॉल्यूम का ऑप्शन आ जाएगा। वॉल्यूम के ऑप्शन पे जाना है, इसका जो वॉल्यूम है इसे आपको 0 करना है। और नीचे एक अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर टैप टू ऐड म्यूज़िक का एक ऑप्शन है, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। म्यूज़िक के ऑप्शन के ऊपर चले जाना है। अभी इस ट्रेंड के लिए एक बैकग्राउंड ऑडियो लगेगा। ये बैकग्राउंड ऑडियो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। कुछ कुछ मोबाइल में मेरे टेलीग्राम चैनल इस लिंक से ओपन नहीं होगा, तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम पर चले जाना है और वहाँ पर सर्च का आइकॉन रहेगा, वहाँ पर जाके सर्किट एक रॉ फाइल ऐसे सर्च करना है। वहाँ पर मेरा रिजल्ट में ग्रुप शो हो जाएगा, वहाँ से भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल को एक्सेस कर सकते हो।
इसके बाद टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस म्यूज़िक को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आके इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आप देख सकते हो म्यूज़िक के सामने आपको एक चूज़ का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर जो वॉल्यूम का ऑप्शन है इसे आपको 100 रखना है, फेड इन और फेड आउट जो है उसे 0 रखना है। इसके बाद नीचे आपको एक म्यूज़िक बीट्स का ऑप्शन है, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अभी आपको एक बीट ऐड करनी है, बीट ऐड करनी है आपको 1.76 पे। तो इस जो ऑडियो का बार में अभी मूव कर रहा है इसे आपको इस तरीके से मूव करना है, और जहाँ पर मैं अभी टाइप कर रहा हूँ आप देख सकते हो यहाँ पर 1.03 है, तो यहाँ पर आपका 1.76 आना चाहिए। 1.76 जहाँ पर आ जाएगा वहाँ पर जाके आपको रुक जाना है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर 1.76 आ चुका है। तो इस पॉइंट पे आके नीचे आपको एक फ्लैग दिखेगा, रेड कलर का एक बटन दिखेगा सर्कल, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर एक नंबर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका जो बीट है वो ऐड हो चुका है। इसके बाद स्क्रीन के नीचे आपको राइट हैंड साइड पर एक सिंगल टिक मार्क दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर से एक सिंगल टिक मार्क आ जाएगा, इसके ऊपर फिर से आपको क्लिक कर देना है। अभी आप देख सकते हो जहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये ऑडियो का बार है, उसमें आप देख सकते हो छोटी सी वर्टिकल लाइन आपको शो हो रही है, तो उस वर्टिकल लाइन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो नीचे आपका वीडियो का बार है इसे सिलेक्ट करना है, और नीचे आपको एक स्प्लिट का ऑप्शन दिखेगा, तो स्प्लिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। स्प्लिट करोगे तो उस पॉइंट पर आपके वीडियो के दो हिस्से हो जाएंगे। तो राइट हैंड साइड का बचा हुआ वीडियो का हिस्सा इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इसे डिलीट कर देना है। इसके बाद आपको करना क्या है, जो फोटो वगैरह आपने ऐड किए हैं उसके एकदम एंड पॉइंट पर चले जाना है। जो लास्ट का फोटो रहेगा आपका, उस फोटो के बार को सिलेक्ट करना है, उसे थोड़ा सा इस तरीके से राइट साइड में स्प्रेड कर देना है, जैसे मैंने अभी ड्रैग किया। अभी आपको करना क्या है, ऊपर आप देख सकते हो ऑडियो का बार है, उसका जो पॉइंट मतलब ऑडियो का बार जिस पॉइंट पे एंड हो रहा है उस पॉइंट तक आपको ये लास्ट वाले फ़ोटो को ड्रैग करके ले लेना है। तो कुछ इस तरीके से आपको इस पॉइंट तक इसे ड्रैग करके ले लेना है। इतना हो जाने के बाद आपको वीडियो के एकदम स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे चले आना है। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक टी प्लस का ऑप्शन दिखेगा, तो या फिर आप देख सकते हो यहाँ पर टैप टू एयर सबटाइटल लिखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। टेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको टी का एक ऑप्शन दिखेगा, तो टी के ऑप्शन के ऊपर आपको स्टैंडर्ड सिलेक्ट करना है। फिर ए वाले ऑप्शन पर चले जाना है, यहाँ पर आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लगे उसे आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में इसी लाइन में आपको एक कीबोर्ड का आइकॉन दिखेगा, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर आके आप जैसे स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा है उस तरीके से आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एक कलर का ऑप्शन आपको आ जाएगा, तो कलर के ऑप्शन पर जाकर जो भी कलर आपको यहाँ पर अच्छा लगे उसे आपको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लैक कलर यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद स्क्रीन के नीचे आपको एक सिंगल टिक मार्क दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो टेक्स्ट ऐड किया इसका साइज़ आपको कुछ इस तरीके से बढ़ाना है, और जिस भी पोजीशन में आपको रखना है उस पोजीशन पे आप रख सकते हो। इतना हो जाने के बाद अभी आप देख सकते हो जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ ये टेक्स्ट का बार है, तो इस टेक्स्ट के बार को आपको करना के ऊपर ऑडियो के बार में आप देख सकते हो छोटी सी वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से आपको जो टेक्स्ट का बार है इसे सिलेक्ट करना है, और टेक्स्ट के बार को उस पॉइंट तक ड्रैग करके ले लेना है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर किया वैसे आपको कर लेना है। इसके बाद आपको करना क्या है, जो ऑडियो के बार में जो वर्टिकल लाइन दिख रही है उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे आपको टी प्लस का एक ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर टेक्स्ट के ऑप्शन पे चले जाना है, स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करना है, ए पे जाके जो भी आपको फॉन्ट अच्छा लगे उसे सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर जो कीबोर्ड का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आपने जो भी यहाँ पर सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने पपी सिलेक्ट किया, तो आपको यहाँ पर पपीज टाइप करना है। आपने अगर कुछ सिलेक्ट किया होगा ब्लैक आउटफिट, तो यहाँ पर आपको ब्लैक आउटफिट ऐसे टाइप करना है। तो यहाँ पर मैंने पपीज टाइप कर लिया। इसके बाद फिर से आपको सेम फॉन्ट में जाकर जो फॉन्ट अच्छा लगे वो सिलेक्ट करना है, नीचे कलर पे जाके। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको रेडीमेड स्ट्रोक्स अभी दिखेंगे, तो इसमें से मैं फॉर एग्जांपल ये वाला एक सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद स्क्रीन के नीचे एक सिंगल टिक मार्क दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो पपीज का आपने यहाँ पर टेक्स्ट ऐड किया इसका साइज़ वगैरह बढ़ाकर आपको जिस भी पोजिशन में इसे रखना है वहाँ पर आप इसे रख सकते हो। इसे इस पोजीशन में रखने के बाद नीचे आप देख सकते हो जो पपीज़ का जो टेक्स्ट ऐड किया उसका भी एक बार आपको दिखेगा जहाँ पर मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ। तो इस बार को सिलेक्ट करना है, और उसका राइट हैंड साइड का जो पॉइंट है जो एंड है उसे आपको जहाँ तक आपका वीडियो एंड होता है उस पॉइंट तक इस तरीके से कुछ आपको ड्रैग करके ले लेना है, जैसे मैं यहाँ पर अभी कर रहा हूँ। तो इस तरीके से इस पॉइंट पर ड्रैग करना है। इसके बाद आप इस वीडियो को प्ले करके देखोगे तो यहाँ पर आपका परफेक्ट एक बीट के अकॉर्डिंग मैच होता हुआ है, यहाँ पर आपका रील जो है वो रेडी हो जाएगा। इसके बाद इस वीडियो को अगर आपको आपके मोबाइल के गैलरी में सेव करना है, तो स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे ऊपर आपको एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। एक्सपोर्ट के ऑप्शन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपने बनाया हुआ जो वीडियो है ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद स्क्रीन के नीचे आपको एक सेव टू एल्बम का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। ये आपने बनाया हुआ वीडियो है ये आपके मोबाइल के गैलरी में सेव हो जाएगा। इसके बाद इसे आप एज अ इंस्टाग्राम के रील सेक्शन पे अपलोड कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से जो ट्रेंडिंग रील है इसे आप बना सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।